क्या आप सनातनी हैं? यदि हाँ तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस देश में लाखों रोहिंग्या रिफ्यूजी बड़े आराम से सभी सरकारी सहायता प्राप्त कर भारत में रह रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए सनातनियों के ऊपर भारत में घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं के द्वारा भविष्य मालिका के माध्यम से कही गई भविष्यवाणी आज धीरे धीरे सत्य तो नहीं हो रहा? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। ग्रंथ का नाम महागुप्त पद्मकल्प। गुरु अरखित जी कहते हैं, दिव्य सिंह देव पुणी राजुति करिब सेतिकी बेलोरे सबु सुख जे मिलिब शेषको मुगल आसी करिब राजुति कहिली रे राम तते रखिब किरति। अर्थ, जब दिव्य सिंह देव राजा होंगे उसी समय पर सब सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अंत में मुगल आकर शासन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 13 मई 2023 की रात मुस्लिम समुदाय के 4 लड़के मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश हुए एवं पवित्र ज्योतिर्लिंग पर चादर के साथ फूल भी चढ़ाया। मैं सभी सनातनियों से प्रश्न पूछता हूँ, ये जो भी हुआ क्या वो सही था? भारत के लगभग हर एक राज्य में रोहिंग्या रिफ्यूजी लाखों की संख्या में भरते जा रहे हैं। चोरी, डकैती, हत्या, आतंकी गतिविधि जैसे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं एवं भारत की एकता अखंडता के ऊपर संकट पैदा कर रहे हैं। हास्यास्पद बात यह है कि हमारे ही टैक्स के पैसों से ये रोहिंग्या सभी सरकारी सहायता प्राप्त कर बड़े आराम से रह रहे हैं। इसी बीच IAS ऑफिसर टीना दाबी के आदेश के बाद जैसलमेर में पाकिस्तान से आए विस्थापित सनातनियों के कच्चे घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। 150 से अधिक बेबस लाचार सनातनी रिफ्यूजी, जिसमें नन्हे बच्चे भी हैं, खुले आसमान के नीचे गुजर करने को मजबूर हैं। पहले मणिपुर को आग लगा दिया गया, फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर चादर चढ़ाया गया, फिर राजस्थान से सनातनी रिफ्यूजियों को लात मारकर भगा दिया गया। इन सब का जिम्मेदार कौन है? आप, मैं, सरकार या हम सब? क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में भारत ने कौन सा युद्ध लड़ा था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। हमारा भारत आज भले ही एक धर्मनिरपेक्ष देश है, परंतु यह मिट्टी आदि अनंत तक सनातन का है। इतिहास गवाह है, जब जब जिसने भी सनातन को मिटाने का प्रयास किया, केवल वो खुद ही नहीं मिटा बल्कि उसका संपूर्ण कुल भी मिट गया। सनातन वो आग है जिसके साथ खेलोगे तो जलकर राख हो जाओगे, और इस बार इस आग का नाम है कल्कि अवतार। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही जो जगन्नाथ जी का विग्रह दिखाई देता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पतित पावन या पोतिदिय। विजेता का नाम है डॉक्टर संजय वर्ष ने। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।